जी मेरा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसरार अहमद, आप देख रहे हैं अल्ताफ अहमद स्पीच यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट मैच बड़ी मुश्किलात के शिकार हो रही है और बहुत से प्लेयर्स जो है ना, खासकर बैटिंग हमारी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। बैटिंग सिर्फ मोहम्मद रिजवान जो माशाल्लाह उन्होंने हमें तो हम पहली इनिंग में 100 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह 71 रन की और बड़ा अच्छी बैटिंग की और माशाल्लाह फहीम अशरफ 91 पे आउट हो गए, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। फहीम अशरफ आप कहते हैं अब्दुल रजाक के बाद फहीम अशरफ जो ऐसे प्लेयर होंगे जो टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को मनवाएंगे, अपने आप को टीम में शामिल करेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो तीन फॉर्मेट लाजमी खेलेंगे। फहीम अशरफ ऑलराउंडर एक आप कहेंगे कि अब्दुल रजाक के बाद अब जो खला था वो पूरा हो जाएगा फहीम अशरफ की। फहीम अशरफ बहुत अच्छा खेले और बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है और शादाब खान ने भी उनको ट्वीट किया है कि राणा साहब छा गए हो तुसी। बड़ी अच्छी बात है कि जो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इस तरह मोहब्बत प्यार करते करना चाहिए ताकि टीम के प्लेयर्स का मोराल बुलंद हो और उनको अच्छा खेलने का मौका मिले। टीम पाकिस्तान टेस्ट मैच तभी ड्रा होता है या पाकिस्तान इसको सेव करता है कि बारिश हो जाए, बाकी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में किसी भी प्लेयर्स को वहाँ ठहरना बड़ा मुश्किल है। रिजवान अगर कोशिश करें तो वहाँ अपने आप स्टे कर सकते हैं, फहीम अशरफ कोशिश करते हैं कि स्टे करते हैं ताकि वो एक किसी किस्म टाइम को पास करना होता है। नंबर दो पे बात करेंगे हम लोग T20 की रैंकिंग के ऊपर, प्लेयर्स बैट्समैन की रैंकिंग के ऊपर। बाबर आजम के लिए बुरी खबर, बाबर आजम को उनके पॉइंट्स कटौती कर दी गई है और 51 पॉइंट्स कटौती करके बाबर आजम अब उस दर्जे के नीचे आ जाएंगे। अब 2 पॉइंट्स जो दूसरे नंबर बाबर आजम थे, अब हो सकता है कि जो नई रैंकिंग जो आने वाले दिनों में वो तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। उसमें मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में बेहतरी आई है, रिजवान को दर्जा तरक्की हो गई है इस तरह और बोर्ड से जो बैट्समैन हैं। लेकिन बाबर आजम का ये है कि बाबर आजम जो T20 ना खेलने की वजह से बाबर आजम के साथ ये हुआ है, लेकिन बाबर आजम के शायकी ने जो उम्मीद है इंशाल्लाह वो जब भी आएंगे तो अपने आप को फिर नंबर 1 ज़रूर बना लेंगे। इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।